ए समाज सर्वदा नारी और पुरुषंकर ही कथा कही थाए। प्रकृति द्वारा सृष्टि होइथिबा मनुष्यर एक तृतीय रूप मध्य रही जहार ना सुनिबा मात्रे ही अधारु अधिक लोक से विषय ठारु दूरे रहिबाकु पसंद करंती। ए समाज रे मनुष्यर तृतीय रूप भाव स्थान पाई मनुष्य होउछंती किन्नर। आज्ञा हाँ, किन्नर समाजर एपरी जणे मनुष्य जहाँकर आशीर्वाद एवं अभिशाप उपरे लोके खूब विश्वास करंती। किन्नर समुदाय सह एपरी अनेक रोचक कथा रही विषय आपण मैने बोधुए के शुणी नथिबे। किन्नर समाज सह जड़ित अनेक रहस्य मध्यरु एक रहस्य संपर्क आज आम जानिबा। बंधुगण, किन्नर को अंतिम संस्कार किपरी करा जाए कौन आपण से संबंध में जानी? काहीकि किन्नर को अंतिम संस्कार गुप्त भाव में मध्यराती रे करा जाए आउ कौन रही पछरे कारण आज आम से संबंध में जानिबा। नमस्कार दर्शक बंधु, डीटीबी ओडिया रे नूतन अध्याय को आपण को स्वागत करुछि। मु स्वाति। पुरातन ग्रंथ रे किन्नर को यक्ष और गंधर्व सह तुलना करा जाएछि। किन्नर साधारणतः मनुष्य ठारु भिन्न होइथिबारु तांको अंतिम संस्कार मध्य भिन्न धरण रे करा जाइथाय। गरुड़ पुराण रे किन्नर को अंतिम संस्कार विषय रे विस्तृत रूपे वर्णित होइछि। गरुड़ पुराण अनुसारे किन्नरंकर अंतिम संस्कार अर्धरात्रिर गोपनीय भाव में करा जाइथाय। मान्यता अनुसारे किन्नरंकर निकटरे एक आध्यात्मिक शक्ति रही थाए, फलस्वरूप सेमाने मृत्यु पूर्वरु सेमानंकर मृत्यु हेब बोली जानी पारंती। किन्नरंकर मृत्यु निकटतर जानिबा परे केउ आडुकु आउ जाइबाकु पसंद करंती नाही, एपरिकि अन्नर मध्य त्याग करि दियंती, केवल पानी पी जीवन व्यतीत करिबाकु लागंती एवं भगवानंकर निकटरे निज पई एवं अन्य किन्नरंक पई प्रार्थना करंती। परवर्ती जन्म पुनश्च किन्नर जन्म न मिलु बोली कामना करंती। मृत्यु समय रे किन्नरंक मुहरु बाहरिथिबा कथा अत्यंत प्रभावशाली होइथाय। एथिपई मृत्यु निकटवर्ती थिबा किन्नरंक ठारु बहुत लोक आशीर्वाद नेबापई आसी थांती। तेणु किन्नर समुदाय किन्नर मरिबा कथा बाहरे प्रकट करंती नाही। गरुड़ पुराण रे प्रत्येक संप्रदायर अंतिम संस्कार कथा वर्णना करा जाइछि। एहा सहित पुराण रे छोटो शिशु तथा किन्नरंक अंतिम संस्कार किपरि करिवे से संपर्क रे मध्य कुहा जाइछि। गरुड़ पुराण अनुसारे किन्नरंकर शबकु जळा जाय नाही, बरम पोति दिया जाय। किन्नरंक मृत्यु घटिले प्रथमे किन्नर संप्रदाय मृत किन्नरंक आत्मा को स्वतंत्र करिवार प्रक्रिया आरंभ करंती। सर्वप्रथमे मृत किन्नरंक शबकु धळा कपड़ा रे घोडाई मृतकंक आत्मा स्वतंत्र हेबा पई प्रार्थना करंती। एहा परे समस्त किन्नर एकत्रित होई मृतकंकु गाळी करी जोता चप्पल मारिबाकु लागंती। एपरी करिबा द्वारा मृत किन्नर मध्यरे थिबा पाप खंडित होई जाय, जहाँफळरे परवर्ती जन्मरे से संपूर्ण मनुष्य रूपे जन्मग्रहण करंती। मान्यता अनुसारे मृत किन्नरंक शबकु साधारण मनुष्यर शब परी चारि कांधरे निया जाय नाही। गरुड़ पुराण रे किन्नरंक शबयात्रा संपर्कित एक गंभीर तथ्य उल्लेख होइछि। साधारण मनुष्य जदि किन्नरंक शबयात्रा को देखे तेबे से व्यक्ति परजन्मरे किन्नर कूळरे ही जन्म हुए। एथिपई किन्नर संप्रदाय साधारण मनुष्यर मंगलपई शबयात्रा अधरात्रि ही करंती। किन्नर मृत हेबा खेणी शब पोड़ा हेबार खबर किन्नर संप्रदाय श्मशान जीवा पूर्वरु ही श्मशान अधिकारी दे दियंती। किन्नर समाज रे मृत्यु रे शोक नुहे, बरम खुशी होइथांती, कारण मृत किन्नर को नर्करूपी किन्नर जन्मरु मुक्ति मिली जाए। भगवान को धन्यवाद देवा उद्देश्य रे समस्त किन्नर शब पाखरे नाच गीत करिथांती। एथिपई मृतकंक आत्मा शांति कामना करी किछि पुण्य दान मध्य करिथांती। दानरु मिलिथिबा पुण्य मृत किन्नर को एक साधारण मनुष्य रूपे जन्म नेबारे साहाज्य करे। किन्नर अंतिम संस्कार परे सात दिन पर्यंत किन्नर संप्रदाय मृतक निमन्ते व्रत पालन करंती। जेउ सौभाग्य सेमानंकु ए जन्मरे मिले नाही से सौभाग्य परजन्मरे मिलु बोली
इष्ट देवता इरावनको निकटरे कामना करती। से समस्त सुख केवल ए साधारण मनुष्य पाखरे ही से समस्त सुख केवल एक साधारण मनुष्य रूपे जन्म हेले ही मिली पारिप। गरुड़ पुराण रे किन्नरंको अंतिम संस्कार सह जड़ित अनेक विचित्र मान्यता परंपरा संपर्क वर्णित होई। जदि कौनसी व्यक्ति लुचिकी किन्नरंको शवजात्रा देखिबा को चेष्टा करे आउ ए खबर जदि किन्नर संप्रदाय जानि जांती तेबे से देखिथिबा व्यक्ति खतरनाक सब्यस्त होइथाय। पौराणिक ग्रंथ वेद पुराण साहित्य तत्व अनुसार किन्नर हिमालय क्षेत्र में बसवास करुथिबा अति प्रतिष्ठित तथा महत्वपूर्ण आदिम जनजाति अटंती। यह सहित आदिशक्तिर अर्ध नारेश्वरी अवतार किन्नरंक अंशविशेष बोली कहुजाए। महादेवंक अर्ध नारेश्वर रूपर रचना भगवान शिव और माता पार्वती मिलन द्वारा होई। हिंदू धर्म में महादेवंक अर्ध नारेश्वर रूपर पूजा मध्य लोक करी थांती। एथिपाई किन्नरंकु जीवन को अधिक कठिन तथा कष्टकर यंत्रणादायक करुथिबा समाज ईश्वरंक अर्ध नारेश्वर रूप को स्वीकार करिबा सह किन्नरंक समाज को इज्जत दबा आवश्यक। जदि दर्शक बंधु किन्नर संप्रदाय सह जड़ित थिबा अन्य किछि तथ्य विषय जानिबा को चाहुछंती तेबे आपण किन्नरंक जीवन संपर्कित गूढ़ तथ्य वर्णित होइथिबा बहु चर्चित पुस्तक किन्नर देश एवं हिमाचल पढ़िपारे। हिंदू तंत्र ग्रंथरे किन्नरंक विशेष भाव स्थान दि जाइपरि बौद्ध साहित्य किन्नरंक मानवमुखी पक्षी सह तुलना करसारे किन्नरंक गरुड़मुखी मानव शरीर बोली कहुई। सबुबले हसखुशी देखा जा किन्नर जीवन अत्यंत जंत्रणादायक। किन्नर भाव में जन्म होगा परठारु ए समाज तांकु नाना गंजना तिरस्कार करे। सेमानंकु असुविधा मिलिथाय। सेमाने अनेक दुखरे काल अतिपात करंती। जदि किन्नर मानंकु आमे सम्मान तथा सुख न देई पारिबा तेबे तांकु दुख कष्ट देबा मध्य अनुचित। किपरि किन्नरंकु समाज रे उचित मान सम्मान मिलि पारिबो सेथिपाई प्रत्येक मनुष्यंकु प्रयास करबा दरकार। तेबे दर्शक बंधु आपणंकु जदि आमर एही प्रस्तुतिटि भल लागिथिबो तेबे आमकु कमेंट करिकि निश्चय जणाइबे। धन्यवाद। ग्रहाधीन जगत सर्वे ग्रहाधीन देवता 17 जनवरी 2023 शनि चलिबे कुंभ राशि मूलती कणस्थ हेबे शनि जानिबाकु चाहंती प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेषक पई शनि किपरि फल प्रदान करिवे देखंतु आमर स्वतंत्र कार्यक्रम शनि चलन केवल डीटी ओडिया रे। आमर स्वतंत्र कार्यक्रम शनि चलन को देखिया पई डीटी ओडिया को सब्सक्राइब करंतु निश्चय तार नोटिफिकेशन आपण पाई परिवे। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।